हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नेवर गिव अप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास टेंथ की पोयम टाइगर इन द जू। ठीक है, ये फर्स्ट फ्लाइट की पोयम है आपकी और इसको हम लाइन बाय लाइन हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे। द राइटर ऑफ द पोयम इज लेस्ली नॉरिस है। लेस्ली नॉरिस जो है इसके राइटर हैं। ठीक है, ये आपकी बुक में भी राइटर का नाम लिखा हुआ है तो आप वहाँ से भी देख लेना। लेस्ली नॉरिस जो है पोएम के राइटर हैं और इस पोएम में वो एक बाघ जो कि टाइगर जो टाइगर है वो जब पिंजरे में जू मतलब पिंजरे में जब बंद रहता है तो उसकी एगोनी को उसकी पीड़ा को एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। ठीक है, और ये दिखाता है कि ह्यूमन बीइंग कितने क्रूअल हो गए हैं कि वो जानवरों को अपने प्लेजर के लिए अपने आनंद के लिए जो है इस तरीके से कैद कर देते हैं। ठीक है, तो चलो पोएम को समझते हैं और इसकी लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। What the writer is trying to say in this poem, what kind of message he is trying to convey to the human beings. ठीक है, A tiger in the zoo इसका टाइटल है। अब टाइगर के लिए बोल रहा है वो राइटर बोल रहा है। हाँ, तो टाइगर के लिए बोल रहा है कि he stalks in a vivid stripes, वो चलता है। स्टॉक्स का मतलब यहाँ पे क्या है, walk, walk. He stalks मतलब walks in his vivid stripes. Vivid का मतलब होता है clear, स्पष्ट, साफ सुथरी दिखाई देने वाली। stripes का मतलब धारियां। तो बाघ पे देखोगे आपने इस तरीके से धारियां होती है बाघ पे। ठीक है, काली काली धारियां होती है और येल्लो येल्लो सा उसका हॉर कलर होता है। ठीक है, तो वो चलता है अपनी विविड स्पष्ट दिखने वाली धारियों के साथ। कैस कहाँ चलता है, द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। केज का मतलब होता है पिंजरा। तो अपने पिंजरे में, द फ्यू का मतलब जितना भी उसका एरिया है उसके अंदर वो क्या करता है, जितने भी कदम वो जा सकता है उतना चलता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो पैर हैं वो कैसे हैं, वेलवेट क्वाइट। वेलवेट का मतलब मखमली से कोमल है, क्वाइट का मतलब यहाँ पे बिल्कुल कोमल, जिनसे कोई आवाज नहीं आती है जब वो चलता है। ठीक है, इन अब कैसे चलता है, इन हिज क्वाइट रेज। रेज का मतलब होता है क्रोध। तो यहाँ पे देखो क्वाइट शांत तो भले ही वो चलता है लेकिन क्रोध भी है उसके अंदर, बहुत ज्यादा रेज है। तो ऑक्सीमोरॉन एक फिगर ऑफ स्पीच होता है, उसका यूज यहाँ पे किया गया, अपोजिट वर्ड का यूज किया गया है। क्वाइट और रेज दोनों अपोजिट हैं लेकिन दोनों को एक साथ रखा गया है। ठीक है, तो अपने शांत से गुस्से के साथ वो जो है उसके अंदर चल रहा है क्योंकि ह्यूमन बींग्स उसको पकड़ के पिंजरे के अंदर अपने मनोरंजन अपने प्लेजर के लिए रखे हुए हैं। और जबकि एक टाइगर का एक नेचुरल जो अबॉर्ड होता है वो जंगल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस की अगर हम बात करें तो ये स्ट्राइप्स है और इसका किसी से मेल नहीं है तो ये ए हो गया राइम स्कीम। ठीक है, केज और रेज दोनों मेल कर रहे हैं तो बी एंड बी, और ये क्वाइट और ये मेल नहीं है तो ये सी हो जाएगा। तो ए बी सी बी इस स्टैंजा की जो राइम स्कीम है वो है ए बी एंड सी बी। ठीक है, यहाँ पे मेटाफर एक अलंकार होता है जिसको हम बोलते हैं मेटाफर हिंदी में उपमा अलंकार। ठीक है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, तो जो मखमली जो पैड होता है। ठीक है, जब आपके घर में जो दन वगैरह होते हैं मखमल से उसमें ऊपर आप चलते हैं तो बिल्कुल शांत सा रहता है वो, क्वाइट सा लगता है। ठीक है, तो वैसे उसके पैरों को जो है मखमली जो दन होता है उससे कंपेयर करने की कोशिश की गई है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा में क्या बोलता है राइटर। ठीक है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। लर्किंग का मतलब होता है छुपा हुआ होना। ठीक है, तो उसको तो छुपा हुआ होना चाहिए था, चाहिए। ठीक है, शुड बी का मतलब होता है चाहिए, ऐसा होना चाहिए। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो। शैडो मतलब कहीं छाया में या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे उसको कहीं शैडो मिल रही हो तो वहाँ पे उसको छुपा हुआ होना चाहिए था, क्योंकि बाघ क्या करता है, छुप के ही अटैक करता है अपने शिकार के ऊपर। ठीक है, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और स्लाइडिंग का मतलब हल्के हल्के खिसकते हुए थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी घासों में उसने हल्के हल्के सरकना था। नियर द वाटर होल, ये यहाँ पे है होल। ठीक है, ये इधर आ गया है, तो नियर द वाटर होल पानी के जो स्रोत होते हैं, वाटर होल का मतलब यहाँ पे पानी के स्रोत से है,
तो पानी के स्रोतों के आसपास उसने जो है लंबी लंबी घासों में क्या कर रहा होना था, छुपा हुआ होना था, ताकि पानी पीने क्या होता है जानवर वहां पे आते हैं और उनको वो वहां पे अपना शिकार बनाता है, ठीक है। जहां अब देखो वेयर द वॉटर नियर द वॉटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, जहां से, वेयर का मतलब यहाँ पे है जहां से, प्लम्प मतलब मोटे मोटे तगड़े तगड़े, डियर का मतलब आपको पता ही है हिरन, पास मतलब गुजरते हैं, तो जहां मोटे मोटे हिरन पानी पी आते हैं वहां उसको होना चाहिए था। इस स्टेंजा में ये दिखाया गया है कि टाइगर जंगल में कैसे होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेंजा में ये दिखाया गया है कि वो केज के अंदर कैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, बैरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज टेररिंग द विलेज। राइम स्कीम अगर बात करें तो हाउसेस क्लाउज, ठीक है, ये ए, ये एज एंड विलेज बी हो गया और ये सी है, ठीक है। तो ए बी सी बी राइम स्कीम है। ही शुड बी स्नार्लिंग, स्नार्लिंग का मतलब गुर्राना, गुर्राहट होती है जो, ठीक है, जंगली जानवर की। अब कहाँ उसको गुराना चाहिए, अराउंड हाउसेस, घरों के आसपास। देखा होगा आपने कि घरों के आसपास रात को जंगल में बाघ जो है सुनाई देता है स्नार्लिंग करते हुए। एट द जंगल्स एज, कहाँ पे, जंगल के किनारों पे आके, घर के बिल्कुल किनारे जो जंगल लगा हुआ होता है वहां आके, एज मतलब किनारे। बैरिंग, बैरिंग मतलब सोविंग, दिखाते हुए। हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स का मतलब जो एनिमल के जो खतरनाक दांत होते हैं जिनसे वो शिकार करता है उनको फैंग्स कहते हैं, अपने सफेद दांतों को दिखाता है। हिज क्लॉज, अपने पंजों को। टेररिजिंग द ब्लेज, और क्या करता है, टेररिजिंग द ब्लेज, ब्लेजर्स को क्या कर देता है, टेररिज करता है, डराता है, डराते हुए, ठीक है। तो इसमें भी जंगल में टाइगर कैसा होता है ये दिखाया गया है राइटर द्वारा। नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, लेकिन ही इज लॉक्ड, वो बंद किया गया है इन अ कंक्रीट सेल। कंक्रीट का मतलब बिल्कुल ठोस से काल कोठरी में, सेल का मतलब जो कोठरी सी होती है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो उसका केज है उसमें उसको बंद कर दिया गया है जिसको ब्रोक नहीं कर सकता। कंक्रीट मतलब बहुत ज्यादा मजबूत है जो, ठीक है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है वो बार्स का मतलब जो लोहे की मोटी मोटी छड़े होती हैं उसके पीछे। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और स्टॉकिंग का मतलब फिर से वही है कि वॉकिंग द लेंथ, अपने केज की जो लंबाई है उसके अंदर वो घूम रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जो भी विजिटर उसको देखने के लिए जू में जा रहे हैं उनको इग्नोर करता है, उनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है विजिटर्स के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे सेल है और ये ए हो जाएगा, ठीक है। बार्स बी रैम स्कीम, ये फिर सी है, किसी से मेल नहीं है। फिर विजिटर्स, तो ये भी बी हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। ये इस स्टेंजा में ये बताया गया है कि जो टाइगर होता है उसकी सिचुएशन एक जू में कैसे होती है, ठीक है, पे केज के अंदर कैसे होती है। नेक्स्ट है, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, अब वो सुनता है लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज एट नाइट में रात को, द पेट्रोलिंग कार्स, और वो आवाज किसकी होती है, द पेट्रोलिंग कार्स, जो पुलिस की जो पेट्रोलिंग कार जो नाइट गश्त की कार होती है उनकी आवाज सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, ये एक ही लाइन है यहाँ पे, ई वाई ई एस आईज यहाँ पे, ठीक है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आईज, अपनी जो ब्रिलियंट चमकदार जो आंखें हैं उनसे घूरता है, स्टेयर्स मतलब घूरता है किसको, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, किनको घूरता है, जो ब्रिलियंट शानदार से दिखने वाले चमकदार जो स्टार्स होते हैं आसमान के उनको घूरता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर राइमिंग स्कीम ए, ठीक है, ए हो गया, फिर बी हो गया, फिर सी हो गया और फिर बी हो गया, स्टार्स और कार्स राइम कर रहा है, ठीक है। तो इसमें भी उसकी कंडीशन जू के अंदर क्या कैसे होती है ये दिखाया गया है। और ये आपकी पोएम समाप्त हो चुकी है, और अगर आप इसकी समरी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप इसमें पढ़ सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अपने उसमें फोन में, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।